नमस्कार, मैं अपनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो आपके NTPC के फी रिफ़ंड की बात है वो शुरू हो गई है, यानी कि बहुत सारे लोगों का फी रिफ़ंड होना चालू हो गया है। मैंने टेलीग्राम में एक मैसेज भी छोड़ा था कि जिनका फ़ी रिफ़ंड हुआ है वो मुझे मैसेज कर दें कि सही में हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग में से किसी ने मुझे मैसेज किया है कि हाँ, फ़ी रिफ़ंड हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी तक फ़ी रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो किनका नहीं हुआ है, किनका कब होगा, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और ये फ़ी रिफ़ंड का जो प्रोसेस है वो शुरू एक दिन पहले किया गया है, तो क्या ये लॉलीपॉप जैसा दिया गया है कि कल जो आंदोलन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं लीनेंट पड़ जाए या कमज़ोर पड़ जाए कि देखो हमने शुरुआत कर दी है, अब कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट वगैरह या आपके आदर्श ग्रुप डी का एग्ज़ाम वगैरह निकलेंगे। तमाम चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। या अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी हो या SSC का हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का एक ऑफ़र चल रहा है गोल्डन टिकट सेल के तौर पे। आपको यहाँ पे 26 से 30 नवंबर तक ये ऑफ़र था, यानी कि आज ये जो सेल है वो आपका लास्ट दिन है। यहाँ पे आपको इस ऑफ़र के तहत जो आपके 12 महीने का पास था वो बढ़ा के 18 महीने कर दिए, यानी कि 1.5 महीने कर दिए, 399 वही कॉस्ट पे। लेकिन अगर आप कूपन कोड ERMoneys यूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 119 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तकरीबन 430 एग्ज़ाम के 29,000 प्लस मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे आपको ग्रुप डी के तकरीबन 225 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आदर भी JEE के भी, यानी कि तमाम जो आपके एग्ज़ाम होते हैं या होंगे सभी के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लेखपाल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तमाम मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपके, सबसे पहले देख लेते हैं कि भोपाल के जो वेबसाइट पे जो आपका फाइनल जो अपडेट आया था फी रिफंड के, यहाँ पे देखिएगा कि फाइनल रिमाइंडर नोटिस, तो इसको अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो कि पॉइंट दे रखी थी उस पर भी डिस्कस करेंगे। और देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ जो चीज़ें दे रखी है कि कब से कब तक आपको मॉडिफिकेशन लिंक दिया, इसमें दे रखा था कि आपको बैंक अकाउंट वगैरह चीज़ें इसमें मॉडिफाई करनी है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो भेजा जाएगा, यानी कि पैसा भेजा जाएगा। और कितना भेजा जाएगा, बैंक का जो सर्विस चार्ज हो जाता है वो काट के 100 रुपया एक्स्ट्रा काटेंगे, यानी कि 100 रुपया वो फीस के तौर पे काटेंगे और एक सर्विस चार्ज काटेंगे बैंक का, तो आपके जो है वो 390 रुपया आपके जनरल वाले को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें एक आया हुआ है जिनका कि फी रिफंड हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पे ही जाके दिखा देता हूँ। ये जो टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, यहाँ पे रेलवे SSC बैंकिंग डिस्कस जो होता है, यहाँ पे आप लोग खुद मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक दिया था जिसमें कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि ये जो रिफंड है, देखिएगा ये देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये जो एक चैनल मेरा और भी है स्टडी विथ ERMoneys, वहाँ पे सिर्फ मैं आपको देता हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोग खुद डिस्कस कर सकते हैं। तो 29 नवंबर के यानी कि कल के डेट में एक इनको मैसेज आया था, SBI का इनका अकाउंट है, यहाँ पे देखिएगा RRB अहमदाबाद एग्ज़ाम फी रिफंड, यहाँ पे देखिएगा 390 रुपया फी रिफंड हो गया, यानी कि ये आपके 10 रुपया सर्विस चार्ज काटेंगे और जिनका 200 रुपये लगा था उसमें भी इनको 10 रुपये का सर्विस चार्ज लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का आपका जो फी है वो रिफंड हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा और भी जो चीज़ें दे रखी है कि कब से कब तक इनको दिया गया था, और यहाँ पे 250 रुपया जो चार्ज है, देखिएगा विथ बीच वाज 250 फॉर SC ST, और जो आपका ये है कि जो EBC है या माइनॉरिटी है या फीमेल है उनका ये 250 है और 400 फॉर अदर कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपको पता है कि कितना रिफंड होना है, लेकिन हाँ उसमें 100 रुपया वो काटेंगे और बाकी जो आपका 10 रुपये इसका सर्विस चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे इतना लंबा पढ़ के नहीं सुनाएंगे कि क्या चीज़ें हैं, मुद्दे की बात यह है कि जिनका अभी तक फी रिफंड नहीं हुआ है, जिनका फी रिफंड नहीं हुआ है उनको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये आपके बैंकिंग वाला सिस्टम है वो कई बार काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, इवन यूट्यूब का मनी आने में तकरीबन 20-20 दिन लग जाते हैं, तो इनका तो प्रोसेस ही स्लो होगा क्योंकि ये सरकारी लोग हैं। तो जिनका नहीं आया है उनका आ जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे पेशेंस रखने वाली बात यह है कि जिनका नहीं आया है वो ये ना समझे कि उनका जो है वो फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि उनको CBT-2 देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब निगेटिविटी आती रहती है कि अगर मेरा
सीवीटी वन क्लियर भी हो जाता है और बैंक रिफंड नहीं आता है, तो क्या कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से रिफंड नहीं आया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी आता है तो वो हो सकता है उसकी मतलब कि सर्विस प्रॉब्लम हो, बैंक की सर्विस प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ना आया हो, क्योंकि बैंक में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसमें कि केवाईसी वगैरह आपने नहीं कर रखा है, तो हो सकता है आपके पेमेंट जो है वो होल्ड पर लगा दिए जाते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कुछ पेमेंट आया हुआ है वो होल्ड पर लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जिससे कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपका पेमेंट नहीं आएगा तो आप सीवीटी टू नहीं देंगे, सभी का आएगा, कुछ पेशेंस रखिए, आपको एक दो दिन में सभी का लगभग आ ही जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सीबीटी वन का जो एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपके टोटल फी रिफंड के रिलेटेड न्यूज़। अब बात कर लेते हैं कि ये फी रिफंड का प्रोसेस है वो कल से ही क्यों ऐसा किया गया। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे पहला चीज़ है कि अभी शीतकालीन सत्र है जो संसद में वो चालू हो गया है, और आपने देखा होगा कि आज विपक्ष वाले ने एक वीडियो रिलीज किया है रेलवे में रोजगार से रिलेटेड, ठीक है, और कल अपन लोगों का आंदोलन है। ये चीज़ें ऊपर तक बात पहुंच चुकी है कि जो ग्रुप डी के बच्चे हैं या रेलवे एनटीपीसी सीबीटी टू के बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ईमेल कर रखे हैं, काफ़ी आरटीआई कर रखे हैं, तो ये मुद्दा ऑब्वियस है कि रोड पे आनी है, आज नहीं तो कल आनी है। और जिस तरीके से संसद भवन चलना चालू हो गया, यानी कि शीत जो सत्र है वो आपके शुरू हो गए हैं, तो कोई ना कोई आपके जो विधायक हैं, सॉरी विधायक नहीं, आपके एमपी जो हैं वो उठाएंगे ही इस मुद्दे को, क्योंकि हर एक बार आपने देखा होगा जितने भी सत्र बैठे हैं उसमें कोई ना कोई मंत्री हो, या मंत्री तो नहीं, मंत्री तो पच गए होंगे, यानी कि जो आपके कोई भी जो एमपी हैं उन्होंने लिखित तौर पे या वर्बली तौर पे रेलवे के स्टूडेंट के बारे में कभी ना कभी कुछ पूछा ही है, चाहे तो वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा इस मैटर को शांत करने के लिए आपके मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड कर दिए गए, अब यहाँ पे रिफंड की चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है कि बच्चे, देखिए 2 महीने तक इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और जैसे ही संसद का सत्र चालू हो गया तो ये अपना मतलब कि बचाव के लिए कि हम देखिए ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऐसा वैसा करेंगे, संसद में बोलेंगे, अगर कोई इस मुद्दे को उठाता है तो ऐसा वो आपके जो मंत्री महोदय हैं, रेलवे के मंत्री महोदय हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि हमने पैसे लौटाना चालू कर दिए हैं, हमने ये करना चालू कर दिया, हमने लिंक दे दिया है, बहुत सारे बच्चे का ऐसा था वैसा था। तो ये शुरुआत से भी किया जा सकता था, ये संसद का सत्र जैसे ही चालू हुआ उसी समय ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ये सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कल के मुद्दे यही हैं कि आपको कल ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये आपको भटकाने के लिए ऐसा कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें मतलब कि भटकना नहीं है, कल जोर शोर से चीज़ें आपको अपनी आवाज़ रखनी है ट्विटर के माध्यम से, और जो भी शॉर्ट वीडियो हो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं अपने कोई भी माध्यम से, हो सकता है आप फेसबुक चलाते हो उसके माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे मतलब कि ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो टोटल एनालिसिस का मतलब यही है कि जो ये दो दो चीज़ें आई है, आपके पैसे रिफंड हो रहे हैं और जो आपके लिंक दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है या रिजल्ट देना है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये काम किया गया है, मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।